हाय फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे परचेज ऑर्डर के बारे में। हम कोई भी सामान अगर हमें ख़रीदना है तो उसको ऑर्डर कैसे करते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं टैली में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो छोटा सा बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। ओके, जिससे हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, चले स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल। देखिए, हमने यहाँ पर टैली पे गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परचेस ऑर्डर। यहाँ पे जो हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है वाउचर है, वो परचेस ऑर्डर है, उस पर जाके हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे वाउचर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एफ फोर होती है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे ये प्रेस नहीं हो रहा है, क्यों? अगर हम F6 यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिसीव्ड, F7 से जनरल यहाँ पे हो रहा है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे इसलिए एक्टिव यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमें परचेस ऑर्डर को पहले यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे जो फंक्शन की दी हुई है यहाँ पे, और उसके बाद F2 प्रेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग दिया है ना यहाँ पे, इसको कर देंगे हम यस। Y प्रेस करेंगे देन एंटर। ओके, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, हमें सेल करना होगा, सेल ऑर्डर करना होगा। हमारे पास जब आएगा सेल ऑर्डर के लिए तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ परचेस ऑर्डर की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम ऑल्ट एफ फोर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो देखिए हमारे पास परचेस ऑर्डर का यहाँ पे ये जो वाउचर है ये ओपन हो गया है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आप क्या पूछा है परचेस ऑर्डर में, पहली यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे देखिए नंबर वन एंट्री दिया है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है जो डेट आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टी नेम है, करंट बैलेंस है, यहाँ पे परचेस ऑर्डर परचेस लेजर है यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए पार्टी नेम पूछ रहा है कि किस पार्टी को हमें ऑर्डर करना है। कहीं से हम सामान मंगाएंगे ना, हम लोग ऑर्डर करते हैं, चाहे ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, आजकल आप लोग देखते होंगे कि अमेज़ॉन से हम लोग, फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर करते हैं, या फिर हम लोग किसी कंपनी से जैसे सामान मंगाते हैं, हम लोग AC कूलर या कुछ भी मंगाना है, मोबाइल मंगाना है, तो हम लोग कंपनी को ऑर्डर करेंगे ना। मान लीजिए हमें नोकिया का मंगाना है तो हम लोग नोकिया कंपनी को कॉल करेंगे कि हमें इतना सामान चाहिए। ओके, ऑर्डर देंगे। अगर हमें सैमसंग का चाहिए तो हम सैमसंग वालों को बोलेंगे, हमें लावा का चाहिए तो हम लावा को बोलेंगे। तो जहाँ जिस पार्टी से आप मंगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए, या तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फो पे आएंगे। ठीक है, यहाँ अकाउंट इन्फो पे देन लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, या फिर हमें इतना लंबा प्रोसेस बार बार आने की ज़रूरत नहीं है गेटवे ऑफ टैली पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे और यहाँ पे ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे देन ऑल्ट C। यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट C होती है। ठीक है, ऑल्ट के साथ में C प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे लेज़र के शॉर्टकट की यहाँ पे ये वर्क करेगी। ठीक है, अब देखिए लेज़र क्रिएशन दिख रहा है यहाँ पे। अब पार्टी हमें किस पार्टी को देना है यहाँ पे ऑर्डर, मान लीजिए हमें रेडमी, ठीक है, रेडमी मोबाइल कंपनी हमें यहाँ पे ने बना लिया, इनको हमें ऑर्डर करना है। ठीक है, ओके, अब अंडर में किस ग्रुप में रहेगा ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लोग क्या हैं, हम लोग डेबिटर हैं। ठीक है, हम लोग मंगा रहे हैं, हम लोग कस्टमर हैं, और जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, वो हमें दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग जो जिससे हम लोग ऑर्डर करते हैं, सामान मंगाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सेंड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आप देखिए यहाँ पे पूछा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रहने देंगे यहाँ पे, इसको हम बता देंगे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे
इनका एड्रेस वगैरह पूरा मेलिंग डिटेल इनकी पूरी एड्रेस भेजना है हमें यहाँ पे, मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे कानपुर, ठीक है, एंटर, देन यहाँ पे कंट्री इंडिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर आपको जो भी यहाँ पे डालना है यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इनकी डिटेल हमें पूरी चाहिए यहाँ पे, तो इनकी डिटेल पूरी दे सकते हैं, कैसे इनको पेमेंट करना है, कैसे लेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अदर कर दिया, ठीक है। पैन आईटी नंबर, जिनसे हम सामान ऑर्डर कर रहे हैं इनकी पैन आईटी हमें चाहिए, इनकी पूरी डिटेल्स हमें चाहिए, तो जो भी यहाँ पे डिटेल होगा इनकी हम फिल कर देंगे यहाँ पे। अभी मैंने आपको एग्जांपल एज एग्जांपल बताया है, ठीक है। बाकी जिस डिटेल इनकी फिल करनी, तो आप यहाँ से इसको यस करके फिल कर सकते हैं, ओके। नहीं करना है तो आप इसको बैक कर देंगे यहाँ से, देन इसको नो कर देंगे। आप यहाँ पर सारी डिटेल इनकी हमें फिल करनी पड़ती है, देन एक्सेप्ट कर देंगे और इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे, इनका जीएसटी नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, जीएसटी नंबर हमें फिल करना है इनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मोड टर्म ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे लेंगे ये, बाई चेक लेंगे, बाई कैश लेंगे, ये सब चीज़ें होता है ना, कि हाफ पेमेंट हम कर चुके हैं, एडवांस दे चुके हैं, जो भी है, हमने यहाँ पे कर दिया बाई कैश, ठीक है। एंटर, अदर रेफरेंस कुछ देना है आपको यहाँ पे दे सकते हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पे कैसे करना है, कैसे भेजना है आपको, कैसे भेजेंगे वो सामान, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी का, तो यहाँ पे कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया ऑन, ऑन व्हीकल, ठीक है। देन यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल चाहिए आपको, डिपेस थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन यहाँ पे डालना है, अगर आपको ये चीज़ें फिल करनी है तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं, ओके। इसको यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, PO/01 मतलब पहला परचेस ऑर्डर पहला है यहाँ पे, ठीक है। परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे PO/01 मतलब परचेस ऑर्डर यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे 001 कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे परचेस लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्सी से वापस लेजर बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेस एट द रेट जितने परसेंट आपकी जीएसटी लग रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 12% लगा रहे थे, यहाँ पे 12, ठीक है, परसेंट, ऐसे करके हम इसको लेजर क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे हम जीएसटी जितने परसेंट लगेगा वो यहाँ पे हम शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये होगा परचेज अकाउंट में आपका जाएगा, ओके। देखिए परचेज अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अप्लीकेबल कर देंगे, जीएसटी डिटेल यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि जीएसटी के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेंगे परचेज टैक्सेबल, देखिए नीचे शो कर रहा होगा आपका, यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या लेंगे, परचेज टैक्सेबल लेंगे यहाँ पे, ओके। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है 12% डाल देंगे यहाँ पे, सेल्स को हम छोड़ देंगे। देन किस पे हम लगा रहे हैं, सर्विस या गुड्स पे, हमने गुड्स को ऑर्डर किया है ना, तो यहाँ पे हम गुड्स को करेंगे यहाँ पे, देन इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। ये आपको अगर परचेस लेजर हो गया है, मतलब आपका कोई भी आइटम लगाओगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो जीएसटी लग रही है वो 12% लग रही है, और मतलब हाफ आपकी जो इनपुट जीएसटी लगेगी CGST वो आपकी लगेगी कितना, आपका 6% लगेगी, और जो SGST लगेगी वो भी आपकी 6% लगेगी। मतलब जो GST आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा 12% से, उस 6% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और 6% आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। CGST और SGST यहाँ पे यूज़ होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम क्या लेना है हमें, यहाँ पे रेडमी हमने डाला यहाँ पे, तो देखिए रेडमी नोट प्रो शो कर रहा है, एक आइटम है ना रेडमी का, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए देख रहा है गोडाउंस है, क्वांटिटी है, रेट है, पर मतलब कितना पर रेट है, कितना पर पीस, कितना रेट है आपका, अमाउंट कितना है, तो ये सब डिटेल हमें भरनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे एंटर करेंगे, गोडाउन ऑन कर दिया हमने, स्टोरेज गोडाउन हमने ऑलरेडी आपको गोडाउन बता दिया है पिछले वीडियोस में कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन भी आप दिखा सकते हैं कि आपको लोकेशन कहाँ पे देना है, आपको मान लीजिए लखनऊ में मंगा रहे हैं तो आपको आलमबाग में लेना है, सरोजिनी नगर में लेना है, आपको गोमती नगर, जहाँ पे लोकेशन आप दिखाएंगे यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। बट हमें अभी अपने स्टोर रूम में मंगाना है, स्टोरेज गोडाउन में जहाँ पे हमने पूरा स्टोर करके सामान रखा हुआ है वहाँ पे मंगाना है, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज गोडाउन किया। देन क्वांटिटी कितनी हमने 100 पीस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर रेट कितना है इसका,
रेट आपने हमने डाल दिया, मान लीजिए 7000 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पर पीस क्या है 7000, तो मतलब इसका कितना हो गया टोटल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट, यहाँ पे 70000 यहाँ पे शो कर रहे हैं, ओके। मतलब पर पीस कितना है यहाँ पे, सॉरी 7 लाख शो कर रहा है आपका पर पीस। क्वांटिटी जो है आपकी वो 100 पीस है, और एक मोबाइल का यहाँ पे जो रेट है वो क्या है 7000 है यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 7 लाख रुपीज़ आपका पूरा टोटल अमाउंट होगा। ये सिर्फ आपकी जो आपने सामान ऑर्डर किया उसका अमाउंट है, यहाँ पे अभी GST वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं हो रही है। अभी जब आप फाइनल करेंगे तो उसमें आप जब परचेस करेंगे या रिसिप्ट नोट करेंगे तो उसमें आपका पूरा GST होके इंक्लूड होके आपका पूरा अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसको करने हम एक्सेप्ट यहाँ पे, देन इसको कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, मतलब हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन मैंने बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमने ऑर्डर किया है या नहीं, ओके। तो क्या करेंगे, इसके लिए स्कैप करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, देन जाएंगे डे बुक पे। डे बुक क्या होता है, डेली जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे यहाँ पे डेट वाइज पर डे की एंट्री आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए मैंने रिसिप्ट आपको बताया था पिछली वीडियोस में, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे आज हमने किया है परचेस ऑर्डर, ओके। देखिए यहाँ पे परचेस ऑर्डर शो कर रहा है कि मतलब हमने ऑर्डर कर दिया है, बट अभी हमारे पास सामान कुछ आया नहीं है। कैसे चेक करेंगे हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टॉक है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जाएंगे स्टॉक समरी, दिख रहा होगा आपको रिपोर्ट्स में, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, ओके। तो ये है आपका आज हमने परचेस ऑर्डर बता दिया कि कैसे यहाँ पे किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करते हैं, ओके। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।